हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेरामिक्स और रिफ्रैक्टरीज ख़त्म किया था। आज हम लोग थर्माकोल, रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक और टेफ्लॉन फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्माकोल से। थर्माकोल एग्जैक्टली क्या है? थर्माकोल इज़ अ फोम्ड प्लास्टिक विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय ब्लोइंग एयर और गैस थ्रू मोल्टन पॉलीस्टाइरीन। इसमें क्या किया जाता है कि गर्म पॉलीस्टाइरीन से एयर या गैस कोई भी पास किया जाता है और इसे मोल्ड्स में, खांचों में किया जाता है। उसके बाद जब ये पॉलीस्टाइरीन के बबल्स बन के वो ठंडे होते हैं तो वो बॉल्स का शेप ले लेते हैं छोटी छोटी, और वो स्टिक हो जाती हैं एक दूसरे से। तो इसमें 95% एयर होता है, कम से कम 95% एयर होता है फिल्ड, जिसकी वजह से ये लाइट वेट होता है और बहुत हल्का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्माकोल की प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करते हैं। थर्माकोल की अगर बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक और ये बहुत अच्छा थर्मल इंसुलेटर होता है, इसमें हीट पास नहीं होती है। उसके बाद इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। उसके बाद थर्माकोल्स की टाइल्स जो होती हैं, शीट्स जो होती हैं, उनको फॉल सीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत मजबूत नहीं होता है, थर्माकोल बहुत मतलब डेलिकेट होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसको हम डायरेक्टली दीवारें बनाने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, पर अगर हमें कहीं पर फिलिंग करना हो दीवार या छत बनाते वक्त, तो वहाँ पे हम थर्माकोल की फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत हल्का होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और इस पर कोई भी निशान या कुछ भी ज़रा सा अगर हम क्रैक आ जाए या थोड़ा सा बोझा पड़ जाए तो ये टूट जाता है। पर इसका अच्छा प्रॉपर्टी क्या है कि ये थर्मली इंसुलेटेड होता है और साउंड इंसुलेटर भी बहुत अच्छा होता है। इट हैज़ अ गुड साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी फ्रॉम साउंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अकॉस्टिक इफेक्ट्स। आवाज़ गूंजता भी नहीं है इसमें। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड इट इज़ क्वाइट शॉक प्रूफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका कि ये झटके झेल सकता है, झटकों को सहन कर सकता है, जिसकी वजह से इसको पैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर हम थर्माकोल के अब्यूज़ पे आएँ तो आप देखेंगे, चाहे वो होम अप्लायंस का पैकिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, सेंसिटिव या ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स का हो, या फिर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का हो। फार्मास्यूटिकल मतलब जहाँ पे दवाइयाँ बनती है, तो दवाइयों की पैकेजिंग के लिए अगर दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, होम अप्लायंसेस को भेजना है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को भेजना है, या कोई भी डेलिकेट चीज़ों को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पे इसकी इस को यूज़ करके, थर्माकोल को यूज़ करके हम लोग उसको सेफली भेज सकते हैं। उसके बाद डेकोरेशन के लिए थर्माकोल बॉल्स मिलती हैं, कलरफुल बॉल्स मिलती हैं। उसके बाद फूड और वेजिटेबल आइटम्स को पैकिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, और फिशरीज बिजनेस में भी इसको यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग फिशेस। तो ये थर्माकोल के मेन यूजेस थे, प्रॉपर्टीज़ मेनली इसकी साउंड इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन, लाइट वेट है, और वाटर रेजिस्टेंट है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करके ये, और स्ट्रेंथ अच्छा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद ध्यान रखते हुए हम लोग इसको पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शॉक प्रूफ मटेरियल होता है। तो ट्रांसफ़र अगर हम किसी चीज़ को करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये शॉक्स को सहन कर सकता है, तो इसलिए इसको डिलीवरी के वक्त किसी भी सामान के बहुत ज़्यादा जाता है। उसके बाद हम आते हैं रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक पे। रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक वर्ड से ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। रिइंफोर्स्ड का मतलब कि हम किसी भी पॉलीमर या प्लास्टिक की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक बनाते हैं। पॉलीमर जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा रबर हो सकता है, पॉलीथाइलिन हो सकता है, सिलिकॉन, मेलामाइन, कोई भी पॉलीमर ज़्यादातर यूज़ करके हम लोग रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक बना सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हम फिलर्स प्लास्टिक के साथ मिला देते हैं। फिलर्स फॉर एग्जांपल कार्बोरंडम, क्वार्ट्स, माइका, एस्बेस्टोस, पेपर पल्प, वुड, फ्लोर ग्रेफाइट, और बहुत सॉडस्ट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ फिलर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि पॉलीमर्स के साथ फिलर्स को मिला दिया जाता है। पॉलीमर्स का काम होता है बाइंड करने का फिलर्स को। उसके बाद जो मटेरियल हमें मिलता है हम उसको बोलते हैं रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक। ये बनाया क्यों जाता है? पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। पॉलीमर को सॉलिड फिलर्स के साथ मिलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक। ये क्यों बनाया जाता है? पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑलरेडी, उनको और इम्प्रूव करने के लिए, टू मॉडिफाई और इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर, सॉलिड एडिटिव्स आर कम्बाइंड। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो इम्प्रूव हो जाती हैं? पॉलीमर्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी,
जब आप उसका रेनफोर्स प्लास्टिक बना देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, वाटर रेजिस्टेंस, हार्डनेस, रिजिडिटी और फिनिश, ये सभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीमर से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हैं रेनफोर्स प्लास्टिक्स में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाती हैं आफ्टर मेकिंग रेनफोर्स प्लास्टिक। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका पहला एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको डोर हैंडल्स बनाने के लिए, बैटरी केस के लिए, इंजन कूलिंग फैंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो शटल्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एग्जॉस्ट फैन, कंप्यूटर टेप, इंसुलेटर्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर में जनरली जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं घरों के डेवलपमेंट, ये बिल्डिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर डोर्स, विंडोज़ और हिंज बनाने के लिए इस मटेरियल का यूज़ होता है। डिफेंस में अगर हम बात करें तो इसको हम राइफल बुलेट्स बनाने के लिए या पिस्टल ग्रिप्स बनाने के लिए इस मटेरियल का यूज़ होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे रेनफोर्स प्लास्टिक के। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलीएसिटल्स, इनको हम पॉम भी बोलते हैं। दे आर पॉलीऑक्सी मिथाइलिन। ये एक पॉलीमर है, किसका? फॉर्मल्डिहाइड का। पॉलीएसिटल आल्सो नोन एज एसिटल और पॉम इज अ फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड सेमी क्रिस्टलाइन इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक। फॉर्मल्डिहाइड है बेसिकली इसका मोनोमर, ये सेमी क्रिस्टलाइन होता है और ये थर्मोप्लास्टिक होता है, मतलब हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ये 100% रिसाइकेबल होता है, इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक होता है? जो जिसको आप हीट करिए, रीमोल्ड करिए, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बना सकते हैं इससे। अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ओ आर। मेनली फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या होता है? ओ आर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड या फिर हम ट्रायोजेन भी यूज कर सकते हैं। कैटलाइज होगा ये रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड से टू फॉर्म पॉलीऑक्सी मिथाइलिन। यहाँ पे बेसिकली है क्या? CH2O, CH2O ही रिपीटिंग यूनिट है इस पॉलीमर का। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है ये, इसका कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत लो होता है, हार्ड होता है ये मटेरियल बहुत ज़्यादा, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है, एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस होता है, हाई हीट रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है ये, लो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत अच्छी होती हैं और इट हैज़ एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रेजिस्टेंस भी इसका बहुत बढ़िया होता है, केमिकली रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हैं और एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पॉम की। उसके बाद हम यूज कहाँ कर सकते हैं? इट इज़ यूज टू मेक मशीनरी पार्ट्स लाइक गियर्स, बियरिंग्स, रोलर्स, कन्वेयर बेल्ट्स, पंप्स, वॉल्व्स, जहाँ इसका यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा यूज है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम इसको फ्यूल पंप, फिलर हाउसिंग्स, कूलिंग फैन पार्ट्स या फिर डोर हैंडल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हाउस होल्ड अप्लायंसेज में हम लोग इसका यूज करते हैं, शॉवर हेड्स, फर्नीचर टेंट्स बनाने के लिए, और भी बहुत जगह यूज होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इसका यूज इंसुलेटर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर टीवी और टेलीफोन के बहुत सारे पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं कुछ पार्ट्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के। आफ्टर वी कम टू टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरो इथीन और इथाइलीन। यहाँ पे ये एक एडिशन पॉलीमर है, हम देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दो यूनिट्स जब रिएक्ट करती हैं आपस में तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज द पॉलीमर PTFE। इसको हम PTFE भी बोलते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। दिस इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोक्लोरो इथीन मोनोमर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेफ्लॉन के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो कि ये केमिकल से रेजिस्टेंट होता है,
केमिकल से रेजिस्टेंट इसका बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि CF बॉन्ड्स इसमें होते हैं और CF बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं। तो CF बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से केमिकल्स इजीली इस बॉन्ड को अटैक नहीं कर पाते और ये दे आर गुड केमिकल रेजिस्टेंट पॉलीमर्स। उसके बाद यूवी रेजिस्टेंट होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं। नॉन स्टिक होने की वजह से इनको हम बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर्स पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से भी इसको कोटिंग के लिए बर्तनों में यूज़ किया जाता है। लो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है और नॉन वेटिंग है। नॉन वेटिंग मतलब कि अपने ऊपर पानी को टिकने नहीं देते अपनी सतह पे, दैट्स व्हाई दे आर नॉन वेटिंग। एप्लीकेशंस क्या है इनका? एप्लीकेशंस वायरिंग में किया जाता है, एरोस्पेस एंड कंप्यूटर अप्लायंसेस में। और दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो अभी मैंने बताया कि नॉन स्टिक फ्राइंग पैन या नॉन स्टिक अटेंसिल्स, जितने भी बर्तन हैं जहाँ पे नॉन स्टिक कोटिंग होती है इसी चीज़ की होती है, PTFE की। और दे आर स्टेबल एट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ऑल्सो, सो दैट्स वाई इसकी कोटिंग हम यूज़ करते हैं। तो ये आज हम लोगों ने 3 टॉपिक्स पढ़े चैप्टर 2 के। नेक्स्ट हम लोग कंपोजिट मटेरियल्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा गूगल क्लासरूम में, और गूगल क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए। ओके बाय।